मारपीट की घटना में मृत हुए सूरज साहू का परिवार न्याय की गुहार लगाने पहुंचा विधायक के द्वार। वहीं विधायक निवास के द्वार पर बैठी मृतक सूरज साहू की विधवा की हालत हुई खराब, साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर अड़े परिजन। दुर्ग में पिछले 4 दिनों से दुर्ग के वार्ड 1 में हुई मारपीट की घटना में सूरज साहू की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जी हां, मृतक सूरज साहू की विधवा पत्नी के साथ ही परिजन पिछले 4 दिनों से दुर्ग के पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए सूरज साहू को न्याय और मुआवजा दिए जाने को लेकर 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर प्रशासन को जगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ सभी विधायक निवास पहुंच धरना दिया गया। विधायक घर में न होने से नाराज पीड़ितों ने निवास स्थान के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक अरुण वोरा के आने का इंतजार में बैठी मृतक सूरज साहू की विधवा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। एक नहीं छह जन मर जाए, मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। मंत्री सिर्फ वोट चाहिए, वोट लेगा। उठा लो, उठाओ उठाओ, सपोर्ट करो बेटा, सपोर्ट करो। इसको हम लोग बैठे ना यहाँ पे, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, हम लोग बैठे यहाँ पे। उठा सकते हो आप लोग, एक जन चढ़ जाओ, पकड़ लो। पीछे पीछे बैठ जाएंगे ना, पीछे मैम, इधर आगे आ जाओ। बिंदु ये नहीं जाएगा, बेटा मैं अपनी गाड़ी में आ रही। अपने निवास स्थान पहुंचे विधायक अरमोरा ने पीड़ितों से मुलाकात की और अपनी बात रखी। हुई है उनको मैंने खुद शिकायत करके आया। कल उन्होंने बोला पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करेगी, सब कुछ ईमानदारी से करेगी। सर थाने बन गई दुकानें, ग्राम मंत्री बताए कब होगा न्याय, ये स्थिति हो गई है। उनको वो अयोग्य ग्राम मंत्री है, ऐसा दुर्भाग्य की हमको ये बोलना पड़ रहा है। 1 करोड़ का धोखाधड़ी हो गया, FIR नहीं होता है, धक्के खाते हैं कोर्ट में जाकर के।
खैर मुद्दे से नहीं बढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट बस मौजा चाहिए। आप तो टू द पॉइंट ही बात करते हैं, मेहरबान से कि आज से मौजा सर, मौजा से जान रहा हूं आप, मौजा मौजा मैं आज से थोड़ी सर मौजा छोड़ो, मेहरबान से को जानू मजा है, मेहरबान सिंह सर सुनो, अब मेरी आप दिल की बात सुनो, किसी भी परिवार का सदस्य जाता है तो उसकी पीड़ा उसको। विधायक निवास पहुंचे लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया, साथ ही मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। मुआवजा चाहते हैं, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे, मुझे मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए और खूनियों को फांसी और जो दो आरोपी गायब हैं उनको भी पकड़ा जाए, कोई दुख में मेरे शामिल नहीं होने आया है। हम बस यही चाहते विधायक मिलना, विधायक जी से मिलना चाहते, विधायक जी हमारे दुख में शामिल भी नहीं क्यों नहीं हुए, हमारा हाल भी पूछने के लिए नहीं आए, विधायक किस लिए हम लोग चुने हैं। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, दुर्ग शहर विधायक अरुण ओराजी संवेदनहीन है। आज धरने का चौथा दिन है, भूख हड़ताल का तीसरा दिन है, पोस्टमार्टम हमने कराने से मना कर दिया, जिला प्रशासन है कहाँ। अब मलकीत सिंह के परिवार को 3 दिन में आप मुआवजा दे देते, उनके लिए संविदा नौकरी का इंतजाम कर देते, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर देते हैं। दुर्ग में, भिलाई में अलग अलग कानून चलेगा क्या? आपने हमारी मांग कोई नाजायज तो है नहीं, आपने भिलाई में मुआवजा दिया है ना, मलकीत सिंह के परिवार को लाखों रुपए, 10 लाख रुपए मुआवजा मिला ना, तो दुर्ग के सूरज साहू को मुआवजा सरकार क्यों नहीं देगी? ताम्रध्वज साहू से ही मिले, गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है वो तय करते हैं। मलकीत सिंह के परिवार को विधि अनुसार जिला प्रशासन ने मुआवजा का वो किया ना, कि मुख्यमंत्री आए थे, बातों को घुमा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ताम्रध्वज साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि अरुण वोरा जी हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो मृतक परिवार जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनको देख करके तो यही लगता है कि जनता अपने कर्मों की वो कर रही है। 12 तारीख को हमारे कार्यकर्ता मानिक चंद साहू जी के पुत्र को भाजपा पार्षद के पुत्रों ने और अपने साथियों के साथ में घर से निकालकर डंडे लाठी से हॉकी स्टिक से मारकर अधमरा कर दिया, उनको सिर पर गंभीर चोटें आई। उन चोटों के कारण से 21 तारीख को सुबह 1:20 पर सूरज साहू की मौत हो गई। 21 तारीख के बाद आज 3 दिन हो चुके हैं, मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए इंतजार कर रहा है और हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। 21 तारीख को हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, हमने अपनी मांगे दी उनको। 22 तारीख को कल हमने गृहमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, विधायक महोदय को घर में हमने ज्ञापन सौंपा। विधायक महोदय हमारे पंडाल के सामने से कई बार आना जाना कर चुके हैं, वे कांच से देख रहे हैं लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि आकर संवेदना के 2 शब्द कहें। आदमी किस चीज़ का भूखा होता है? संवेदना के 2 शब्द का भूखा होता है। मुआवजा सब बात की बात है, संवेदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही संवेदना के शब्द हमको गृहमंत्री से भी नहीं मिले। गृहमंत्री ने तुरंत कह दिया कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, हम मैं आपके कागज़ को मुख्यमंत्री को भेज देता हूँ। बाद में हमको पता चला कि चमेली साहू ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है, वो लगातार उनके परिवार के साथ में टच में रहे, तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? वे चाहते तो तुरंत CM को फ़ोन कर देते, CMO ऑफिस में फ़ोन कर देते और इमीडिएटली उनके आदेश को कलेक्टर भी टाल नहीं सकता था, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आज हम अरुण वोरा जी को जगाने आए हैं और शायद गहरी नींद में सोए हुए हैं कि 3 दिन से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आज हमारा भूख हड़ताल का 3रा दिन है, लगातार नॉन स्टॉप आमरण अनशन पर बैठे हुए, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन हमारे विधायक महोदय, उनको समय नहीं है कि आकर 2 मिनट मिल सके। मैं उम्मीद तो बहुत रखा था सर कि हमारे विधायक जी हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे दुख में शामिल होंगे, हमको भरोसा देंगे कि बेटा तुम अपना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारे विधायक जी पता नहीं किस गली में, किस घर में छुप गए हैं, उनको हमसे मिलने का टाइम नहीं मिला है, या वो हमको इस लायक नहीं समझते, हमको नागरिक नहीं समझते दुर्ग शहर का, हमसे मिलने भी नहीं आए। दुख की 2 बातें हमारे साथ शेयर तो कर लेते, बैठ तो जाते 2 मिनट, हमको अच्छा लगता है, चलो हमारा विधायक, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे दुख में शामिल हुआ, हमारा जवान लड़का खत्म हुआ, निर्दोष उसको मारा गया घर से ले जाके, ये सरकार किस लिए चुनते हम प्रतिनिधि, जब हमारे दुख और सुख में साथी नहीं होंगे, सिर्फ राजनीति करने के लिए चुनते हैं। भाई आप अपनी राजनीति अपनी जगह रखो, लेकिन हमारे घर मौत हुई है, हमारे घर छठी नहीं है कि हम आपको कार्ड देने आएंगे तब आप आओगे,
आप हमारे घर दुख हुआ है, हमारा जवान लड़का गया। मैं चाहता हूँ कि विधायक जी से मेरे से फेस करें, मैं आज उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको क्या ऐसी तकलीफ थी, वो क्यों नहीं हमसे मिले? मैं जानता हूँ मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ विधायक जी से। धन्यवाद, मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका इंतजार करूँगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, मैं यहीं बैठूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम उनके नागरिक हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे नेता है, हमारे शहर के प्रमुख हैं। बहरहाल मृतक की पत्नी और परिजनों के द्वारा प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की जा रही है। देखना होगा इनकी बातों को कब तक सुनकर उस पर निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।